हरिनगर में एक डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया गया है। डिस्पेंसरी तो बहुत सारी हैं इस क्षेत्र में, लेकिन इस डिस्पेंसरी में नया क्या है वो हम आपको बता दें, क्योंकि ये डिस्पेंसरी आउट ऑफ एरिया है, जहाँ की महिलाएं दूर पड़ती है उनको डिस्पेंसरी या सरकारी जो डिस्पेंसरी उसमें जाने के लिए, और मुख्यतः गर्भवती महिलाओं के लिए ये डिस्पेंसरी खोली गई है, जिसमें शुरुआत से लेकर जो भी टीके लगाए जाएंगे बारी बारी से वो मुफ्त लगाए जाएंगे। और इस डिस्पेंसरी में सुबह से लेकर 2 बजे तक डॉक्टर उपस्थित रहेंगे, जहां पर गर्भवती महिलाएं जा सकती हैं। डॉक्टर सीमा, इन्होंने बताया कि जो शक्ति फाउंडेशन है, इन्होंने आज से एक नई चीज़ और खोली है, महिला पंचायत। आपको बताते हैं महिला पंचायत में क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, महिलाओं पर अत्याचार होता है, जोर जुर्म होता है, और कहीं पर भी महिलाओं की बात नहीं सुनी जाती, उसके लिए महिला पंचायत खोली गई है, जिसमें महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज कराएंगी कि शिकायत का निवारण होगा, हो सकता है कि थाने में कोर्ट और कचहरी से बचाव हो जाए और उनको ठीक तरीके से न्याय मिल जाए, इसलिए महिला पंचायत का भी आयोजन किया गया है, आज से ही उसका शुभारंभ है। इस अवसर पर आपको बता दें जो डॉक्टर सीमा, उनका जन्मदिन भी रहा, आप देख रहे हैं कि जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मैम, आज जो आपने कार्यक्रम रखा है उसका क्या उद्देश्य, और ये कार्यक्रम जो इतना बड़ा समारोह किया वो क्यों किया आपने? आज का जो कार्यक्रम रखा गया था तो वो हमने जो आशा वर्कर की जो ट्रेनिंग है उनको सबको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना था, तो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया ताकि उनका हिम्मत और हौसला दोनों ही बढ़े। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमने जो डिस्पेंसरी ओपन की है, एक छोटी सी डिस्पेंसरी है, ताकि जो गर्भवती महिलाएँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल पाए। तो ये डिस्पेंसरी का उद्देश्य क्या है, किन महिलाओं को इसमें दवाइयाँ मिलेंगी? सर, इसमें गर्भवती महिलाओं को ही हम सपोर्ट कर सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं कौन से महीने से लेके कब तक? सर, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इनकी देखभाल की जाएगी? जी बिल्कुल। और दवाइयों का जो चार्ज वगैरह? कोई चार्जेस नहीं है सर, डिलीवरी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और पूरी 9 मंथ की मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो डिस्पेंसरी है ओनली केवल महिलाओं के लिए है? जी सर। तो इसको ये कब से कब तक चालू रहेगी आपकी डिस्पेंसरी? सर, ये तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप हमेशा तक चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, सभी को फ़ायदा तो मिले। ये केवल जो NGO से जुड़ी महिलाएं उन्हीं को ही फ़ायदा मिलेगा या कोई भी महिला आ सकती? सभी को मिलेगा सर, सभी के लिए है। सभी के लिए? हाँ, सभी और के इसमें लिए कोई कॉस्ट नहीं है दवाइयों की? नो सर। और शक्ति फाउंडेशन और क्या कार्यक्रम करवा रही है? सर, शक्ति फाउंडेशन एक महिला पंचायत और कर रही है, जिसका पूरी जो सीमा रानी है वो सारा कुछ देख रही है, तो आ जाती इनके बारे, इसके बारे में सारी डिटेल तो यही बता पाएंगे। अच्छा, डिस्पेंसरी में आपकी कहाँ पे खुली है उसका क्या पता है, ताकि जो महिलाएं आपको देख रही हैं वो वहाँ पे आ सकें और लाभ उठा? ये हरिनगर आई ब्लॉक I611 है हरिनगर में। शक्ति फाउंडेशन है, ये किस तरीके से काम करती है और अपने साथ महिलाओं को कैसे जोड़ती है? शक्ति फाउंडेशन पुराना है और इनकी कार्य, इनके काम को देख के ही हम लोग इनसे जुड़े हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इनकी शक्ति को देख के ही हमारे को हौसला मिला है और बाकी जितनी लड़कियां हैं वो भी तभी जुड़ी हैं। क्या है कि जैसे अभी कई लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो जैसे हॉस्पिटलों में धक्के खाती हैं, दूर जाती हैं, लेकिन शक्ति फाउंडेशन में ऐसा नहीं है। अगर किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो डॉक्टर कहीं पर भी हो तो फ़ौरन वहाँ पहुँच जाती है या अपनी क्लिनिक बुला लेती हैं। अगर इनका मैंने ये भी देखा है कि अगर अल्ट्रासाउंड के लिए कितनी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन इनके पास अल्ट्रासाउंड के लिए ये पहले ही अपॉइंटमेंट ले लेती हैं और जहाँ तक है खुद गाड़ी में ले जाके अल्ट्रासाउंड कराती हैं। दवाई के लिए भी हमेशा प्रिपेयर रहती है कि भी मैं कैसे भी इनको ट्रीटमेंट दे सकती। आज इन्होंने क्या कहते हैं, जब देखा, हम लोगों ने देखा कि इनका काम अच्छा है और इन्होंने देखा मेरे साथ इतने लोग जुड़ रहे हैं, तो ये महिला पंचायत की भी आज शुरुआत कर रही हैं। तो इस महिला पंचायत में क्या होगा? डोमेस्टिक वायलेंस जो भी होगा, पॉक्सो पे जितना भी है वो सारा काम महिला पंचायत में होगा। तो अपना परिचय बता दें। जी, मैं धीरज कुमार झा, शक्ति फाउंडेशन ट्रस्ट का मैं IT सेल का HOD हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंटल। मैं बेसिकली IT देखता हूँ शक्ति फाउंडेशन ट्रस्ट की, और जैसा कि आप जानते हैं शक्ति फाउंडेशन ट्रस्ट कई विगत वर्षों से चली आ रही है और कई सारे प्रोग्राम कैंप्स वगैरह कर रही हैं। उनका जो मेनली काम है पब्लिक में अवेयरनेस देने की, तो वो अपना काम कर रही है। जैसा कि अभी डॉक्टर सीमा मैम ने आपको बताई कि एक महिला पंचायत भी हम लोग ला रहे हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट की है, तो उस महिला पंचायत में बेसिकली जैसे महिला पे किसी भी तरह की जो शोषण होती है
तो इनके क्षेत्र वाइज बांटा रहता है कि इस क्षेत्र में, तो हम लोग तीन क्षेत्र के लिए अप्लाई किए हैं। आशा करते हैं कि किसी न किसी क्षेत्र में महिला पंचायत हम लोग को ज़रूर मिलेंगे और उस क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे उस महिला के लिए। सबसे पहली बात, जो शक्ति फाउंडेशन ट्रस्ट से अगर वो जुड़ना चाहें तो या तो डायरेक्ट हमारे ऑनलाइन जुड़ें, और ख़ासतौर पर महिलाएँ आजकल में वो भी काफ़ी शिक्षित हम लोग देखते जा रहे हैं कि हर घर में मोबाइल हैं, तो वहाँ से वो ऑलरेडी ज्वाइन कर सकती हैं। और अगर कोई उसमें दिक्कतें आती हैं तो जैसे हमारे गौतमपुरी में है ऑफिस, वहाँ से वो संपर्क कर सकते हैं। अभी हम जो नया एक छोटा सा डिस्पेंसरी का यूनिट ओपन किए हैं, जिसका आज ही शिलान्यास हुआ है, ये बदरपुर में हरिनगर में, तो वहाँ से भी वो संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक सराय काले खां में भी है यूनिट, वहाँ से भी वो संपर्क कर सकती हैं। तो वो हमारे शक्ति फाउंडेशन से अगर जुड़ती हैं तो बहुत सारे इसमें काम है। हमारा एक ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाउ टू हेल्प, मतलब हम लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह की महिलाएं को या आम जनता को किसी भी तरह की परेशानियां ना हो। जैसे कि इस डिस्पेंसरी में बताया गया आपको कि महिलाएं के लिए ट्रीटमेंट चलती हैं, बाकायदा इसमें जाहिर सी बात है कि यह महिलाएं के लिए चलती हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई आम पब्लिक में बच्चे से कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में कुछ भी ऐसी अगर सिस्टम होती है तो उनको भी यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा, जैसा कि गौतमपुरी में किया जा रहा है और सराय काले खां में किया जा रहा है, तो ऐसे यहाँ भी किया जाएगा। यहाँ पे मेनली हमारा जो डिस्पेंसरी यूनिट देने की मकसद थी वो ये थी कि यहाँ पे एक तो ये ग्रामीण क्षेत्रीय पर जाते हैं और इस ग्रामीण क्षेत्रीय में महिलाएं को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधाएं जल्दी नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से हमने अपना यहाँ पे एक छोटा सा डिस्पेंसरी यूनिट दिया कि इनको हम सेवा दे पाएँ और फ्री ऑफ कॉस्ट में इनका हम सेवा करें। और जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो पीयूष स्रोत सी जब नारी बहेगी जीवन के सुंदर समतल में, तभी तो बहेगी जब नारी को पूरा सम्मान मिलेगा, नारी को पूरी सुविधाएं मिलेगी। देश आज़ाद तो हो गया लेकिन मानसिकता गुलामी वाली है, उसी से बाहर निकालने का प्रयास माता बहनों के लिए हमारा रहता है। हमारी फाउंडेशन की जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सीमा जी और भी सभी पदाधिकारी हैं, वे सब मिलकर के इसमें पूरा साथ दे रहे हैं। आज हमने डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया हूँ, सबके सहयोग से आज पूरा अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो ये कहते हैं कि यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ जहाँ नारी होती वहाँ देवता निवास करते हैं। जी, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करूँगा कि आप सब आए। जैसे कि तीन दिन पहले दीदी आई मेरे पास, मुझे पता चला कि ये समाज का एक संस्था का कुछ काम हो रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। कारण है इसके पीछे, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने अपनी शादी के दौरान मेरे परिवार ने 11 लाख रुपए प्रयास संस्था है आपकी बल्लभगढ़ में अनाथ बच्चों की, उसमें हमने दान किए थे। तो जब दीदी आई तो मैंने दीदी से भी कहा, दीदी कुछ भी मेरे लायक कुछ काम हो जो मैं कर पाऊँ आपकी संस्था के लिए मैं करूँगा। तो यूथ हो, महिला हो या जेंट्स हो, उनकी सोच विचार बहुत चेंज होगी। हम अगर अच्छे सोशल वर्क करेंगे, तो कहते हैं ना कि अगर आप चोर के साथ रहोगे तो चोर बनोगे, अच्छे के साथ रहोगे तो अच्छा बनोगे। तो मैं उसी चीज़ को लेकर चलता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि निखिल अच्छा सोचेगा अच्छा होगा, बुरा सोचेगा बुरा। तो साहब मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि अच्छा सोचो अच्छा होगा। जैसे भाई मेरे पास दीदी आई, उन्हीं के साथ मैंने काम करा और मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं आगे भी ये काम मैं करता रहूँगा इनके साथ। और हमारे बाबू जी हैं, बड़े साहब हैं हिंदुस्तानी भाई, जो बहुत बड़े मतलब स्टार हैं, और मैं उनसे पहले मैं काफ़ी दूर से मैं मिला था, तो जब वो आए तो ऑफिस में आए तो मैंने उन्हें पहचाना, मगर शायद बाबू जी वही हैं। और जब आज मैंने स्टेज पे उनके साथ रह के काम किया, उन्होंने सबका सम्मान किया। देखो हर कोई आदमी अलग तरीके का होता है, इतना बड़ा आदमी सबका पहले उन्होंने सम्मान किया है, फिर मैंने जाके जब देखा कि उनका किसी ने सम्मान नहीं किया, तो मेरा हक बना कि बाबू जी का मैं पहले सम्मान करूँगा, चाहे मेरा हो या ना हो। तो मैं इस चीज़ से ना, मैं मतलब एक रहता है ना कि आदमी का दिल स्वभाव वो अच्छा रखना चाहिए और काम अच्छा करना चाहिए। आप, मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ के निगम पार्षद मौजूद विधायक के पास चले जाओ, वो 10 रुपये खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। ये समाज के काम के मैं पीछे बता रहा हूँ। हाँ, वो आपसे 10 रुपये ऐड जरूर लेंगे क्योंकि उनका ये काम है। तो हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ काम नहीं हुआ, तो बहुत अच्छा काम करा है शक्ति फाउंडेशन ने, सीमा दीदी ने, और ये दुआएं कि आज काम नहीं आएंगी पर आने वाले टाइम में ये दुआएं बहुत काम आएंगी। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।